इन्वॉल्वमेंट था, वो जबरदस्त था। तो सभी लोगों के मेहनत की वजह से वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही कामयाब जनसभा, जाहिर सभा, पब्लिक रैली मुंबई में हुई। तो सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देने के लिए सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाना चाहूँगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा बड़ा विषय ये है, उस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष जी ने एक बड़ी घोषणा की है और वो है कि मुंबई के झोपड़पट्टियों में रहने वाले जो लोग हैं और जो पुरानी इमारतों में रहने वाले जो लोग हैं और अन्य प्रकार की इमारतें जिनका रीडेवलपमेंट होना है, ऐसे सभी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को, परिवारों को आने वाले दिनों में कम से कम 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिया जाएगा फ्री में एज अ रिहैबिलिटेशन प्लान, मतलब रिहैब की बिल्डिंग में। ये उन्होंने घोषणा की और उस घोषणा को लागू करने की जवाबदारी हमारी बनती है। मैं उस घोषणा के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन खासकर सरकार में बैठे जो लोग हैं, उनमें जबरदस्त हड़कंप मच गया है और उनकी तरफ से एक दुष्प्रचार हो रहा है कि यह संभव नहीं है। हमें पूरी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है इसकी, या जो वायबिलिटी रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो लेकर बहुत जल्दी आप सबके समक्ष हम आएंगे। आइए प्रभु जी, वो लेकर बहुत जल्दी आपके समक्ष हम लोग आएंगे। उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट और वायबिलिटी रिपोर्ट है, उसके ऊपर हमारे साथी मिलिंद देवड़ा, अन्य जो जानकार लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो लोग बैठ करके काम कर रहे हैं। उसमें अशोक चौहान साहब भी होंगे और सरकार में काम कर चुके कुछ मंत्री भी बैठेंगे और एक फुल फ्लेज्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम उस स्लम रिहैबिलिटेशन प्लान के ऊपर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं फिलहाल इतना कहना चाहूँगा कि जब ये SRD स्कीम शुरू हुई थी कांग्रेस के ज़माने में, जो बाद में SRA बन गई शिवसेना बीजेपी की सरकार में 1995 में, तो SRD स्कीम में 160 स्क्वायर फीट का घर दिया जाता था। 160 स्क्वायर फीट से बढ़ा के शिवसेना बीजेपी के ज़माने में इसको 250 स्क्वायर फीट का किया गया। विलासराव देशमुख जी ने इसको 269 स्क्वायर फीट करके दिया। आज जो बीजेपी दावा करती है 300-350, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 269 ही है। 300-350 बिल्टअप एरिया है वो, लेकिन कारपेट एरिया 269 ही है। तो मतलब अगर 160 से 269 तक हम पहुंच सकते हैं तो निश्चित तौर पर 269 से बढ़कर के 500 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट हो सकता है। इसलिए अगर कोई ये दावा कर रहा है, सरकार में बैठे लोग इस तरह से खबरें फीड कर रहे हैं कि ये संभव नहीं है, तो बिल्कुल संभव है। ये सारे स्कीम के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए किसी DC रूल की चेंज करने की जरूरत नहीं है, DP में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन की जरूरत है और नहीं कोई नया कायदा बनाने की जरूरत है। यह सरकार के स्तर पर जो विद्यमान वर्तमान जो रूल्स हैं, सिर्फ उन रूल्स में परिवर्तन करने से हो सकता है। इस पूरे विषय को लेकर के मुंबई कांग्रेस की तरफ से एक बहुत ही आक्रामक प्रचार हम करने जा रहे हैं। लगभग 10 लाख के आसपास हम हैंडबिल बना रहे हैं और उस हैंडबिल में मुख्य नारा हमारा है कि वन रूम किचन का जमाना गया, अब सभी को मिलेगा वन बेडरूम हॉल। ये जो 250 और 269 स्क्वायर फीट में जो घर मिलते थे वो बुनियादी तौर पर वन रूम किचन था और हमारे स्लम में रहने वाले, झोपड़पट्टियों में रहने वाले जो हमारे मुंबईकर थे, जो हमारे नागरिक हैं मुंबई के, वो अभिशप्त थे कि एक स्लम से निकल करके एक दूसरे वर्टिकल स्लम में रहते थे और वन रूम किचन में रहने के लिए वो मजबूर थे। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जो घोषणा की है उसके हिसाब से जब हम 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट देंगे तो वो यकीनन वन बेडरूम हॉल होगा। यानी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग और जूनी इमारतों के जो टेनेंट्स हैं, जो टेनेंटेड प्रॉपर्टी के जो रहवासी हैं, उनको एक डिग्निफाइड, इज्जतदार ढंग से रहने का एक घर मिलेगा
वो रह सकते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बच्चों की अगर शादी होती है तो भी एक अच्छे ढंग से पूरा परिवार 500 स्क्वायर फीट में रह सकता है। तो ऐसी एक डिग्निफाइड जिंदगी देने का एक प्रयत्न, एक सपना कांग्रेस पार्टी ने देखा है और यह सपना हम साकार करेंगे। मुख्यमंत्री कल उधर थे चांदीवली के तरफ कहीं पे, और बोलते बोलते शायद उन्होंने ये कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जी नहीं, स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम का सपना हमने ही देखा था, हमने शुरू की थी और उसी को बढ़ाते बढ़ाते आप फर्जी तरीके से दावा करते हैं 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट देने का, तो वो भी सपना हमने देखा था। और 500 स्क्वायर फीट का घर देखने का भी सपना हमने देखा है, वो सपना हमने साकार किया, ये सपना भी हम साकार करेंगे। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं है, मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के जीवन को सुधारने का एक संकल्प है और यह संकल्प हम पूरा करेंगे एक बार महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी तो। पूरे झोपड़पट्टियों में हम लोगों ने फलक लगाए हैं बड़े पैमाने पर, और मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तरफ से घर घर, हर झोपड़पट्टी वासी के घर में यह पत्रक, यह हैंडबिल हम भेजने जा रहे हैं, पहुंचाने जा रहे हैं और लगभग कल से काम शुरू हो जाएगा। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों से जो मेरी बात हो रही है उसके हिसाब से उनके बीच एक जबरदस्त एक्साइटमेंट है, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग ऐसे 2000 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं एसआरए में, जिसमें लगभग 70% बंद पड़े हैं किसी न किसी डिस्प्यूट में। अब वहां पे जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अब हमको इसको आगे आगे बढ़ाने की कोई अभी रुचि नहीं लेनी, यहां तक कि बिल्डर्स में भी एक जबरदस्त प्रतिसाद है इस पूरे घोषणा को लेकर के, क्योंकि बिल्डर का भी कोई नुकसान नहीं है। पहले उनको 269 स्क्वायर फीट की जगह पर एफएसआई मिलता था, डेढ़ गुना बेचने के लिए, एक एफएसआई रिहैब में डेढ़ गुना बेचने के लिए होता था, अब 500 स्क्वायर फीट के ऊपर उनको उतना ही डेढ़ गुना एफएसआई मिलेगा। बीजेपी के कुछ जो आईटी सेल से जुड़े जो लोग हैं वो फेक न्यूज फैलाने में बड़े माहिर माने जाते हैं, तो किसी फेक न्यूज फैलाने वाले ग्रुप ने ऐसा दावा किया है कि राहुल गांधी जो 500 स्क्वायर फीट का फ्री में घर देना चाहते हैं उसके हिसाब से 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उन्हें आगे ये कहा है कि पूरे महाराष्ट्र का जीडीपी ही 29 लाख करोड़ है, 30 लाख करोड़ से 29 लाख करोड़ है, तो कहां से लाएंगे? इस प्रकार की फर्जी बातें और फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये सारे स्कीम पूरी दुनिया में महाराष्ट्र का एक अकेला ऐसा स्कीम है। दिस स्कीम इज डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, फुल्ली फंडेड बाय प्राइवेट बिल्डर्स और प्राइवेट एंटरप्रेनर्स, एंड द बेनिफिशरीज आर लोकल रेसिडेंट्स और स्लम ड्वेलर्स।